हे गोरियंस ऑफ व्यूअर्स, दिस इज मेकअप आंसर और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 20 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही जी पार्टी से बाहर निकलती है, सामने यिंग खड़ी होती है। शायर उठ के कहती है, यिंग तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? जी चली जाती है। यिंग जी से कहती है, तुम्हें पता है उसके फादर कोमा में है, मैं तुम्हें उसका बोझ उठाते नहीं देख सकती। उसके फादर का हॉस्पिटल बिल 1,00,000 युआन, वो भी हर साल आता है। किसी भी लड़की के पास ना तो इतना टाइम है और ना ही पैसा उस पे वेस्ट करने के लिए। जी कहती है, मेरे पास है टाइम और पैसा दोनों। यिंग कहती है, तो तुम्हें पता ही होगा कि उसके फादर ने ड्रिंक करके किसी को कार से उड़ाया, वो मर्डरर है। जी पूछती है, इसमें जाशु का क्या लेना देना? यिंग कहती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट क्या तुम्हारी फैमिली इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? जी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो। यिंग कहती है, तुम उसके लुक्स पे मारती हो, बट वो बिना प्यार के अपनी फैमिली की वजह से बड़ा हुआ है। अगर कोई उसे प्यार से ट्रीट करता है तो वो उसे प्यार समझ लेता है। क्या तुम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती? अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम पे मरता है तो बताओ उसे तुम में क्या पसंद है। तुम तो प्यार में दीवानी हो, बट क्या जब तुम उससे ब्रेकअप करना चाहोगी? तुम्हें लगेगा कि वो समझदार है, बट इन रियलिटी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे तुम जैसी हजारों मिलेंगी। जी चली जाती है। यिंग उसे रोक के कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसके फादर ने मेरे फादर को मारा। वो रोते हुए कहती है, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती? जी कहती है, मैं सब समझती हूँ, बट गलती उसके फादर की है, उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यिंग हंस के कहती है, उसके फादर ने मेरे फादर को मारा पनिशमेंट से बचने के लिए, उन्होंने सुसाइड करना चाहा, बट क्या हुआ, उसके फादर नहीं मरे बट मेरे नहीं बचे। पनिशमेंट तो मुझे मिल रही है ना, तुम्हें अब भी लगता है जाशु का इन सब में कुछ लेना देना नहीं है? जी कहती है, उसके फादर ने गुनाह किया बट जाशु ने उसे सही करने की कोशिश की, है ना? तुम इनोसेंट हो, बट क्या वो नहीं है? उसकी गलती क्या है? तुम इस एक्सक्यूज से उसे बार बार हर्ट कर रही हो। वो ये कहकर चली जाती है। यिंग वही खड़े होकर रोती है। जी साइड में बैठकर यिंग की बातें सोचती है, तभी उसे जाशु की कर्जे वाली भी बात याद आती है। जी मन में सोचती है, तभी वो गिल्ट में जी रहा था। तभी जाशु आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? जी मना करती है। जाशु कहता है, पार्टी अच्छी गुजरी, मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट लाया हूँ। जी कहती है, तो ब्रेड है? जाशु कहता है, अच्छा है ना, ट्राई करोगी? जी कहती है, तो बहुत प्यारा सा है। जाशु पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो अपनी शर्ट उतार कर जी को पहना कर कहता है, ट्राई करो ब्रेड को। जी खाती है। जाशु पूछता है, अच्छा तो है, और खाओ? जी खाती है। जाशु उसे देखकर हंसता है। तभी जी अपना बैंक कार्ड जाशु को देती है। जाशु पूछता है, क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ और तुम मुझे ये दे रही हो? जी कहती है, इसमें 5,000 युआन है और अब जब मेरी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो 3,000 युआन और आ जाएंगे। जाशु पूछता है, तुम मुझे क्यों दे रही हो? जी कहती है, मैं आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ। जाशु मन में खुश होकर कहता है, तो हमारी छोटी सी अब मेरा अच्छे से ख्याल रखना चाहती है? जी स्माइल करती है। तभी जाशु अपना पूरा पर्स जी को देकर कहता है, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और तुम अपने लिए नई और अच्छी ड्रेस खरीद लेना, और ये कार्ड अब मेरा है, तो तुम्हारे पास अब बहुत पैसे हैं। जी स्माइल करती है। जाशु कहता है, तो बॉस क्या हुक्म है? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ना, क्या हुआ, मैं हूँ ना थोड़ा अलग? जी कहती है, तो तुम मान ही गए? जाशु कहता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम सच में मुझे ऐसा समझती हो? जी एग्री करके कहती है, ये अपना वॉलेट तुम ले लो। जाशु कहता है, बहुत देर हो गई है, मैं कार्ड वापस नहीं करने वाला। जी कहती है, मैंने नहीं मांगा। जाशु कहता है, ये अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इस एज में किसी पे डिपेंड हो सकता हूँ। जी कहती है, उल्टे सीधे खर्चे मत करना, हमें पैसे भी बचाने हैं। जाशु पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें दहेज देना है? जी कहती है, घर खरीदना है, वो भी EMI वगैरह के प्लान बताकर कहती है, मैं जल्दी से पैसे कमा लूंगी, हमारा घर भी होगा। जाशु ताज्जुब करके कहता है, ठीक है हम बड़ा घर ले लेंगे ताकि मैं दूसरी लड़की को वहाँ छुपा सकूं। जी उसके मजाक पे खूब हंसती है। जाशु जी को कहता है, बॉस ये पैसे रखो। जी मना करती है, पर जाशु उसके पर्स में पैसे डालकर कहता है, मैंने कहा ना अब मैं आप पे डिपेंड रहूंगा, आपको पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं। जी कहती है, मैं पैसे जल्दी खर्च कर देती हूँ, जानते हो ना? जाशु कहता है, मैं और कमा लूंगा। जी कहती है, ठीक है अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगी। जाशु एग्री करके कहता है, अगर तुम किसी बात पे अपसेट हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जी मना करके कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास यहाँ हो। वो जाशु के कंधे पे अपना सर रखती है। जाशु उसे प्यार से संभालता है। जी यहाँ फिर से काम करती है। तभी उसका कलीग वान उसे डिलीवरी देता है। जी मना करती है। वान कहता है, इस पे तुम्हारा नेम और डिटेल्स लिखी है। जी उसे ले लेती है और अंदर कैंडी देखकर खुश होकर खाती है, क्योंकि वो जाशु की तरफ से होता है। ऑफिस के बाद जाशु जी को हॉस्टल छोड़ने जाता है।
तभी वो कहता है, अगली बार ओवर टाइम हो तो बता देना, मैं पिक कर लूंगा। रात में यहाँ डेंजरस होगा। जी पूछती है, तुम थकोगे नहीं? दिन में काम और रात में ओवर टाइम, प्लस मुझे पिक करोगे और छोड़ोगे भी। जशु कहता है, तो क्या करूँ बताओ, तुम मेरे घर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? तभी जी के पास उसकी मदर का कॉल आता है। वो पूछती है, तुम हॉस्टल पहुँचे क्या? जी कहती है, पहुँचने वाली हूँ। जशु उसे छेड़ता है। जी मदर को चिंता करने के लिए मना करके बाद में कॉल करने को कहती है। जी कहती है, देखा ना तुमने? जशु कहता है, कोई ना, मैं तुम्हें हर रोज ऑफिस छोड़ने और लेने आ जाऊंगा। जी कहती है, सच में? वो खुशी के मारे उसके गले लगती है। तभी उसे यान का कॉल आता है। यान पूछता है, हॉस्टल पहुंची क्या तुम? जी कहती है, पहुंचने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? यान कहता है, तुम्हारे कैंपस में एक लड़का लड़की हाथ पकड़ कर डोल रहे हैं। क्या वो तुम हो? जी शौक होकर रुक के पूछती है, तुम यहाँ हो? यान सामने आकर कहता है, अंदर समझाए क्या मुझे? जी और जशु की पोल खुल जाती है। यान कहता है, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड जशु की तरह क्यों दिख रहा है? वो दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखता है। जी हाथ छुड़ा के कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने ही आ जाती। यान हंसता है। जी कहती है, ये जशु की तरह दिखता है ना? वो बहाना मारती है। यान कहता है, उल्लू समझाया क्या तुमने? सोचो जरा, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? क्या जशु लंगड़ा हो गया है, अंधा हो गया है, या फिर पिया हुआ था? जी कहती है, वो पिया हुआ था। यान कहता है, उससे बचाने के लिए तुम उसकी साइड ले रही हो। जी कहती है, तुम्हें बिलीव हुआ क्या? यान उसे पकड़ता है। जशु जी को प्रोटेक्ट करके कहता है, मेरा उस जैसा फेस नहीं है, मैंने ही इसे पटाया है। यान का मुंह देखने लायक होता है। जशु और यान दोनों जी को हॉस्टल छोड़ने जाते हैं। जशु जी से कहता है, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। यान जी को अपने पास ले लेता है। जी कहती है, क्या हुआ? मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, बट देखो तुमने मुझे ब्लॉक किया। यान कहता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हाँ? जी कहती है, सॉरी, मैं बस आपको समझाने के लिए टाइम देना चाहती थी। यान पूछता है, हॉस्टल कितनी दूर है यहाँ से? जी इशारा करती है। जशु कहता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा। जी यान से रुकने के बारे में पूछती है। यान उल्टे सीधे जवाब देता है। तभी हॉस्टल आ जाता है। जी जशु की साइड लेकर यान को समझाती है। उसे जशु के लिए डर लगता है, बट यान उसे अंदर हॉस्टल भेज देता है। जी नहीं जाती, बट जशु उसे प्यार से समझा के भेज देता है। यान और जशु को जी जाते हुए देखती है। साइड में यान जशु को मारते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बहन ही मिली पटाने के लिए? जशु कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ। यान फिर मारता है। जशु कहता है, और मारो। यान और मारता है। जशु कहता है, रुको नहीं, और मारो। यान साइड में बैठ के पूछता है, कितना टाइम हुआ तुम दोनों को? जशु डिटेल्स देता है। यान कहता है, तुम्हें शर्म है भी या नहीं? अगर तुम किसी को भी डेट करते तो मैं कुछ नहीं कहता, बट वो मेरी बहन है, तुम उसे बचपन से जानती हो, वो तुम्हें भाई कहती थी, फिर भी तुमने सिर्फ उसी को पकड़ा। जशु कहता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ, वो यही था, गलती मेरी है, सॉरी ब्रो। यान कहता है, किसका ब्रो? जशु कहता है, पता है मुझे तुम्हें बहुत बुरा लगा, जब तक तुम चाहो मुझे मार सकते हो। यान कुछ तो कहो। यान कहता है, मुझे मत बुलाओ, वो ये सब सोचकर कुछ कह ही नहीं पाता। वो खड़ा होकर कहता है, अपना हुलिया सही करो। जशु खुशी से उसके पीछे जाता है। यहाँ जी टेंशन लेती है। जी यान को कॉल करती है। यान कॉल कट कर देता है और उठाता नहीं है। बाद में जी जशु को मैसेज में पूछती है, सब ठीक है ना? जशु सब ठीक बताता है। जी कहती है, फ्री होकर मुझे कॉल करना। यान ये सब देखता है। जशु यान से कहता है, ब्रो मैं उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यान कहता है, तुम्हारी लड़की? हाँ। जशु कहता है, वो अभी तुम्हारी है। यान पूछता है, तुम रियली सीरियस हो? जशु कहता है, अगर नहीं तो मैं रियल जोक हूँ। यान पूछता है, तो बताओ तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँचा? जशु कहता है, ब्रो क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? यान कहता है, तुम मेरी नजरों में वैसे ही हो। जशु कुछ कह ही नहीं पाता। यान कहता है, तुम 26 के और उसने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही की है, क्या तुम इतने बेशरम हो? जशु कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं उसको लेकर बहुत सीरियस हूँ, बस वो मुझसे 5 साल छोटी ही है, अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मुझे और मार सकते हो। यान उसे मारता है। जशु कहता है, हम कैब में है। यान कहता है, तुम्हें तो पिटने को कहा था। जशु कहता है, हम बाद में बात करते हैं। वो दोनों जशु के फ्लैट में पहुंचते हैं। जशु उसे स्लिपर्स देता है, बट यान पूरे घर का मुआयना करता है। जैसे ही वो फ्रिज से स्ट्रॉबेरी उठाता है, जशु उसे रोक कर कहता है, फ्रिज में से कुछ मत देना, वो सब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। यान कहता है, गर्लफ्रेंड? हाँ, सोना है क्या अंदर यहाँ कि तुम ऐसे बन रहे हो? यान बैठता है, जशु और जी की ग्रेजुएशन फोटो देखता है और पूछता है, ये कब दी तुमने? यहाँ जी वेट करती है। जशु का मैसेज आता है। जी उसे वीडियो कॉल करती है। जशु अपनी पिटाई की वजह से वीडियो कॉल उठाता नहीं है और मैसेज पे झूठ कहता है, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। जी कॉल लगाकर कहती है, कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी।
चाशू कहता है रहने दो सोने वाला हूँ मैं। सी पूछते है कुछ हुआ क्या तुम दोनों में। चाशू कहता है नहीं उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। जी कहती अच्छी बात है तुम उससे दूर रहो मैं बाद में उसे देख लूंगी। चाशू हंसता है। जी पूछती है क्या उसने तुम्हें बताया कि वो यहाँ क्यों आया है। चाशू कहता है उसे तुम्हारी चिंता थी तो वो तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड को देखने आया है। जी कहती है वो पागल है उसने तुम्हें बताया कि वो कब तक यहाँ रुकेगा। चाशू कहता है पता नहीं बट मैंने उसे सब बता दिया। तुम्हारा कल ऑफिस है ना जल्दी से सो जाओ। दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। जी तसल्ली से सो जाती है। चाशू अपना बिगड़ा चेहरा देखता है। जी ऑफिस से बाहर आती है तभी चाशू कहता है मुझे कोल्ड हो गया है कहीं तुम्हें ना हो जाए इसलिए मैंने ये मास्क लगाया है। जी मास्क उतार कर चाशू का चेहरा देखती है। चाशू बहाना मारता है। जी सब समझ के पूछती है यान कहाँ है। वो यान को कॉल लगाकर उसके पास जाती है। चाशू जी को रोकता है बट जी यान को खींचती है। तुमने ये क्या किया। वो उस पे गुस्सा निकालती है। यान कहता है रेस्टोरेंट है क्या कर रही हो तुम तो? जी पूछते क्यों मारा उसे तुमने। यान कहता है मैं क्यों नहीं मार सकता। जी कहती है मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा लूंगी। यान कहता है पकड़वाओ बुलाओ ना। जी मुंह बनाती है और आंखों में आंसू भर के कहती है मैं तुमसे सभी रिश्ते तोड़ती हूँ और आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। वो गुस्से में चली जाती है। चाशू उसके पीछे भागता है। यान यहाँ बैठा होता है। चाशू जी को समझा के यान के पास बैठता है। यान पूछता है तुम अब भी उसे पसंद करती हो उसका गुस्सा देखा ना तुमने तो मुझे मत रोकना आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। चाशू कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं। यान कहता है रहने दो। चाशू पूछता है कब फ्री हो। यान पूछता है क्यों। चाशू कहता है मुझे मारने के लिए। वो हंस के कहता है सच कहूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी साइड ली मुझे बहुत अच्छा लगा। यान भी स्माइल करता है। कुछ टाइम के बाद जी मुंह बनाकर वहाँ आती है बट वो यान की तरफ नहीं देखती। यान मुंह बनाकर कहता है तुम कितने साल की हो मेरे से अब रिश्ता तोड़ोगी। हाँ जी कहती है अगर ऐसे रहोगे तो हमेशा के लिए। यान कहता है ठीक है। जी जैसे ही ओके करने जाती है चाशू दोनों को रोक कर इशारा करके कहता है कुछ ऑर्डर करें क्या। यान कहता है मैंने कर दिया अभी किसी को डेट करे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और कोई बाहर वाले के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ेगा। जी कहती है तुम ढंग से बात कर नहीं सकते थे हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत थी। यान कहता है अब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम नहीं समझोगी। सी पूछते कब नहीं समझा मैंने मैं तो ये समझ ही नहीं पाती कि तुम लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे रह सकती हो तुम बर्दाश्त के भी बाहर हो। यान कहता है मेरे दोस्त और मुझमें लड़ाई हुई उसमें तुम्हारा कुछ लेना देना है ही नहीं। जी गुस्सा करके कहती है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दोनों लड़ते हैं। चाशू जी को रोकते हुए समझाता है क्यों लड़ रही हो जानती हो ना उसे। जी कहती है मैं लड़ नहीं रही हूँ उसे लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। चाशू कहता है देखो मैंने भी उसे मारा। जी कहती है मारना तो उसने स्टार्ट किया ना तुम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। चाशू कहता है कल उसने बैठ के खुद पिटाई मांगी सो अब हम नॉर्मल है। जी कहती है तो तुम दोनों लड़े क्यों दोनों बच्चे हो क्या बात नहीं कर सकते थे। चाशू हंसता है। यान कहता है लिटिल डेविन में थोड़ी सी समझ है कुछ समझाओ उसे। चाशू कहता है चलो हम खाते हैं। जी कहती है तो तुम दोनों ने मेडिसिन ली। यान और चाशू दोनों एग्री करते हैं। जी उसके गाँव की चिंता करती है। यान ये सब देखकर कहता है मेरी बहन अब चाशू के लिए चिंता करती है तुम तो यूजलेस है मुझे भी गर्लफ्रेंड बुला लेनी चाहिए ताकि वो मेरी चिंता करे। जी उससे पानी की पूछती है। यान मना करके ग्लास आगे कर देता है। जी हंसते हुए उसे पानी देती है। चाशू ये सब नज़ारा देख कर खूब हंसता है। जी कहती है तुम बिना बताए यहाँ आए हो मैं तुम्हें वीकेंड में ही टाइम दे पाऊंगी। यान कहता है मैं तो अपने भाई से मिलने आया हूँ मुझे मेरा भाई चाहिए और कोई नहीं। चाशू कहता है मैं चलूंगा बट मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता। यान एग्री करता है। यान और जी दोनों खाने के पीछे लड़ते हैं। चाशू जी को खाना देता है। यान कहता है बस करो शो ऑफ करना। जी चाशू को खिलाती है। यान कहता है बस करो ना। एपिसोड के एंड से पहले दिखाया जाता है यान जी के स्लीपर्स पहन के बैठता है। चाशू उसे छीन कर अपने स्लीपर्स दे देता है। वो जी और अपनी फोटो रख के पूछता है तुम्हें मेरे अपेंडिक्स के बारे में पता है फिर भी तुमने उसी जगह जानबूझकर मारा तुम्हें देख कर मारना चाहिए मैं कल उसे कैसे समझाऊंगा अगर उसने ये सब देख लिया तो। यान बकवास करके कहता है अगर लिटिल डेमन ने ये सब देख लिया तो उसे लगेगा मैंने तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे मार सकते हो। चाशू कहता है मैंने कभी किसी को नहीं मारा पता नहीं कैसे मारते हैं। यान कहता है जल्दी मारना। चाशू मारता है। यान दूर जा कर गिरता है। चाशू कहता है मैंने कहा था ना मैंने किसी को नहीं मारा तुम ठीक हो। यान एग्री करता है। चाशू कहता है ये ऑइंटमेंट लगाओ। यान कहता है मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ। चाशू कहता है तो तुम चाहते हो कि ये मैं तुम्हें लगाऊं। यान अपना मुंह आगे करता है। चाशू हंस के कहता है एक्सपेक्टेड था। वो उसके ऑइंटमेंट लगाता है और छेड़ के चला जाता है। बाद में वो उसे सभी जरूरत का सामान देकर कहता है मुझे काम है तुम यहाँ सोफे पे सो जाओ
कुछ चाहिए हो तो बता देना। यान मुंह बनाता है, जाशू अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर देता है। यान बाहर से चिल्लाता है, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जग्या एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन.जग्या। थैंक यू।